नर्मदे हर मित्रों, मैं हूँ श्याम केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हरिशंकर शिवलिंग आर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। माँ नर्मदा की इस बहती हुई धारा से अनेक प्रकार के पत्थर निकलते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी सुंदर आकृतियाँ बनी होती है और इन्हीं पत्थरों को ग्राम बकावा में शिवलिंग के आकार में परिवर्तित किया जाता है। आज हम माँ नर्मदा के किनारे कुछ ऐसे ही दुर्लभ चित्र वाले पत्थरों की तलाश में आए हैं और माँ नर्मदा की कृपा से आशीर्वाद स्वरूप हमें एक इस प्रकार का बहुत ही सुंदर शिवलिंग मिला है। यह देखिए, इसमें पूरा मधु कलर का और फिर उसके मध्य में चंदन और फिर उसके मध्य में मधु कलर का गोल आकृति, इस प्रकार के शिवलिंग माँ नर्मदा से बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं और फिर इसे हमारे द्वारा गोल आकृति में परिवर्तित किया जाएगा। जब यह पूरा गोल आकृति में परिवर्तित हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा और माँ नर्मदा से इस प्रकार के जो पत्थर है इनको शिवलिंग की आकृति में परिवर्तित करने का कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। और अगर आपको जानना है कि माँ नर्मदा के पत्थरों को शिवलिंग की आकृति में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है तो आप YouTube पर हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से पत्थरों को परिवर्तित शिवलिंग की आकृति में कैसे किया जाता है दिखाया गया है। और अगर आपको और भी माँ नर्मदा और नर्मदेश्वर शिवलिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हरिशंकर शिवलिंग आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम आगे माँ नर्मदा और नर्मदेश्वर शिवलिंग से संबंधित जानकारी यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।